2023 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कि कोई भी डाइट, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी गुरु आपका नौकरी नहीं दिला सकता जब तक आप खुद मेहनत ना करना चाहो। अगर आप मेहनत करने से आज पीछे हट रहे हो तो डेफिनेटली आपके जॉब नहीं होगा भाई। चाहे जाना चाहते हो फोर्स में कौन दमदार लोग जाते हैं, मेजर शैतान सिंह है अकेले चाकू से लेके भाई 65 आदमियों को काट के फेंक दिया था सलमान घाटी में। तो ऐसे योद्धा वाले देश है भाई, शैतान सिंह सोच लो क्या सूर्य वीरता होगी भाई। मतलब 10 आदमी हमारे सामने खड़े हो जाता, हमारा हालत खराब हो जाता है। उस अकेले में जो भी जाना चाहता है उसके लिए पागलपन की जरूरत पड़ती है। सिलेक्शन के टाइम पागलपन की जरूरत पड़ती है, जब आप ट्रेनिंग में होंगे तब आपको पागलपन की जरूरत पड़ती है। चालाक आदमी भाग जाएंगे ट्रेनिंग से, नहीं कर पाएंगे वो मार वो तकलीफ, चालाक आदमी नहीं सह सकता। वही आदमी सकता है जो थोड़ा सा पागल हो, और जो भी फोर्स में जाते हैं वो थोड़ा गलत दिमाग के होते हैं उनका। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म, वीडियो चैनल सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐसे जीवी 2023 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, अदेन दोस्तों आपके फाइनल मेरिट कब तक आ जाएंगे फिजिकल के लिए, कितना कट ऑफ जाने वाला है। दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं इसके फिजिकल को डेट को लेके, कब से इसके फिजिकल स्टार्ट होंगे, लेकिन मेहनत कोई भी नहीं कर रहा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि जब फिजिकल स्टार्ट होते हैं तो करीबन 200 बच्चों का बैच बनता है, बच्चे दौड़ते हैं, 200-150 बच्चों का बैच बनता है, बच्चे दौड़ते हैं, उसमें से फिजिकल कितने क्वालिफाई करते हैं पता है, 60-70। मेरे आंख के सामने नेक्स्ट टाइम फिजिकल इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और मैं बता दूं जो फिजिकल आपके होने वाले गर्मी के दिन में होंगे तो आपका दोस्तों ऐसे ही मुंडी चक्कर मारता होगा, आप फिजिकल नहीं निकाल पाओगे। अब देखिए जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो पहले से दौड़ते थे, अब हम एक साल बैठ चुके हैं तो हम भाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊं अगर 1-1.5 साल शेर को भी पिंजरा में बंद कर दिया जाए ना, फिर उसको जंगल में छोड़ दिया तो कुत्ता उसका शिकार करके मार देगा, उसको कुत्ता खा जाएगा उसको, क्योंकि शिकार करना भूल चुका होगा। तो फिर तो हम तो इंसान है, अगर हमने भाई इतना दिन से प्रैक्टिस नहीं किया तो हम क्या फिजिकल निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे भाई। ये आपका मन का वहम है, आप जितना मेहनत अभी रूटीन के लिए किया हुआ, अगर आप फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाओगे सब कुछ पानी हो जाएगा। मैं बता रहा हूं जो मेहनत आपका अभी है वो सारा मेहनत पानी हो जाएगा, फिर वो कुछ फायदा नहीं होगा। फिजिकल के लिए इतना मेहनत करके, इतना दौड़ दूड़ के, इतना अपने आप को चमका के सब कुछ करके कुछ नहीं होने वाला, अगर आपका टाइम नहीं कम हो रहा है, अगर आपका टाइम फिजिकल अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक चीज बता दूं, फिजिकली प्रैक्टिस करो, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो मैं बताऊं ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मार्च 25 तक तो इसके रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, 20 या 25 तक आ जाएगा मार्च में, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। आपके रिजल्ट मार्च 20 या 25 तक तो आ ही जाएंगे, तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। आपका जो फिजिकल है वो अप्रैल लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास कितना टाइम बचा है, ले दे के 1-1.5 महीना बचा हुआ है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। ऐसे ही होगा, 200 बच्चों के बैच बना हुआ होगा, आप जब फिजिकल के लिए वहां पे जाओगे देन दोस्तों आप रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, जहां पे दोस्तों लाल झंडा दिखाते रहेगा आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, देन दोस्तों खत्म हो गया फिर मेहनत, फिर वहां पे रोते रहना। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया हम रिवाइटल खा लेंगे, हम इंजेक्शन लगा लेंगे, हम ये सब करके, कुछ नहीं होता है भाई उससे, बस छटपटाओगे वहां पे गिर के, कर लिया तो कर लिया, बाई चांस अगर नहीं कर पाए तो फिर गए, कुछ फायदा नहीं मेडिसिन का। मैं खुद हूं वहां पे भाई, मैं खुद गया था अगली बार, सब वीडियोज में शूट कर रहा था SSC का, मैंने खुद देखा बच्चे छटपटा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया था। और एक चीज मैं बताऊं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते हो। और फिजिकल के मैंने हमेशा कहा है, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो मैंने प्रीवियस में जिस टाइम फिजिकल सब टिप्स दिया था, अगर आप उसको फॉलो करते हो देन दोस्तों अभी भी आपका टाइम नहीं कम हो रहा है। तो दोस्तों 2-3 चीज आपको और भी अपने अंदर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले अब आपको फील्ड में रनिंग करना छोड़ देना है, अगर आप पहले से रनिंग कर रहे हो, मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे वीडियो आपने देखा है, देन दोस्तों अब आपको फील्ड में रनिंग करना छोड़ देना चाहिए। अब आपको हिल रनिंग करना चाहिए, 10 दिन तक आप हिल रनिंग करो, सिर्फ पहाड़ पे जाओ उतरो, पहाड़ पे जाओ उतरो, हिल रनिंग आपको स्टार्ट कर देना है। 10 दिन तक आपको हिल रनिंग करना है और संडे में एक दिन आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, और अपना टाइमिंग देखना है कि आपका कितना टाइम आ रहा है। अगर हिल रनिंग आप 10 दिन तक लगातार कर दोगे तो दोस्तों आपके डेफिनेटली टाइम कम हो जाएंगे। हिल रनिंग करो, देन दोस्तों आपको 10 दिन तक हिल रनिंग करना है, फिर दोस्तों आपको 5 मिनट का एक बार टाइमिंग लेना है कि आपका क्या टाइमिंग आ रहा है। अब दोस्तों आपको रनिंग कितने टाइम करना है, देखिए 2 टाइम रनिंग करना है, मैंने आपको हमेशा कहा है, सुबह आप एक बार हिल रनिंग कर दीजिए, शाम को आप नॉर्मल फील्ड में नॉर्मल रनिंग करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन हर सप्ताह में एक दिन संडे का दिन अपना टाइम लो 5 किलोमीटर का, इतना से इतना 5 किलोमीटर होता है उतना आपको टाइम लेना है हर संडे के दिन, क्योंकि आप अपना टाइम लोगे तो आपको डेफिनेटली नॉलेज हो जाएगा कि 5 किलोमीटर के लिए मेरा कितना टाइमिंग आ रहा है। और देखिए दोस्तों फिजिकल में कटना मतलब बहुत ही बड़ा बेइज्जती का काम है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, अगर दोस्तों आप SSDD के साथ दोस्तों आप असम राइफल की भी तैयारी कर रहे, तो मैं बता दूं असम राइफल के लिए भी दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा, किस टाइप के दोस्तों असम राइफल में क्वेश्चन वगैरह आते हैं और दोस्तों किस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके सिलेबस में पूरी दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, और ये दोस्तों आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में पूरी मदद कर देगा। आप इस बुक को चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन दोस्तों आपको ऐसा ही करना है, 2 टाइम रनिंग करना है, सुबह हिल, देन दोस्तों शाम को फील्ड पे रनिंग करना है, संडे के दिन आपको टाइम लेना है। और देन दोस्तों आपको डाइट में मैंने आपको पहले ही कहा था कि अश्वगंधा वगैरह का यूज मत करना, छोड़ देना अश्वगंधा मत खाना, उससे क्या सांस जल्दी आप थक जाओगे जल्दी यार, अश्वगंधा खाने से सांस फूलता है, थकान ज्यादा होता है, तो अश्वगंधा का व्यवहार
मत करना। और दोस्तों आपको क्या करना है, लाल चना, ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुड़, देन दोस्तों अगर उसमें और भी आपको ऐड करना है तो मैं एक चीज और बता देता हूं जो कि आपको ऐड कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कि आप क्या करना कि देन दोस्तों जब भी सुबह सुबह आप रनिंग करने के लिए जाना तो आपको दोस्तों क्या करना है कि जो आप चना, लाल चना होता है ना, उसका जो पानी होता है जिसको आप फेंक देते हो या कुछ, उसको आप पी लेना, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। लाल चना का पानी आप पी लोगे तो देन वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके बॉडी को फ्रेश करेगा। देन दोस्तों आप जब रनिंग में जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टेमिना बिल्ड दिखेगा। केला भी आपको खाना है, केला भी दोस्तों स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लोग बहुत बोलते हैं कि मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, केला भी आपके शरीर के स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और आपको रनिंग का प्रैक्टिस करना है, और जब भी दोस्तों रनिंग प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ा सा भी झिझक हो, बॉडी पेन हो, देखिए बॉडी पेन होगा, देखिए जब भी आप दुनिया में अच्छा काम करने जाओगे आपको डेफिनेटली पेन और दोस्तों कष्ट और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, दुनिया का नियति है, ठीक है। जब भी आप कोई काम करने जाओगे, जिस काम से आज भला होगा, आज अपने आप को मार के रनिंग का प्रैक्टिस कर लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं उस दिन रो रो के दौड़ रहा था भाई, शरीर पेन कर रहा था, दौड़ने का मन नहीं कर रहा था, रो रो के फील्ड पे दौड़ रहा था, और अगर उस दिन का प्रैक्टिस नहीं करता तो आज मेरा फिजिकल नहीं क्वालिफाई होता। देखिए कोई भी डाइट, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी गुरु आपका नौकरी नहीं दिला सकता जब तक आप खुद मेहनत ना करना चाहो। अगर आप मेहनत करने से आज पीछे हट रहे हो तो डेफिनेटली आपके जॉब नहीं होगा भाई, चाहे SSC हो चाहे कोई भी जॉब हो, तो मेहनत करने से पीछे मत हो। आप इतना मेहनत करके भाई SSGD में इतना अच्छा स्कोर किया है, किसी ने 90 किया, किसी ने 110 किया, किसी ने 120 किया, ये स्कोर लाना इतना इजी नहीं है। अगर ये स्कोर आप लेके आ रहे हो और अभी है दोस्तों आप माइचिया जैसे गिर रहे हो तो आप नमर दू की कैटेगरी में आ रहे हो ना यार, फोर्स में जाना चाहते हो, फोर्स में कौन दमदार लोग जाते हैं, मेजर शैतान सिंह है, अकेले चाकू से लेके भाई 65 आदमी को काट के फेंक दिया था सलमान घाटी में, तो ऐसे योद्धा वाले देश है भाई शैतान सिंह, सोच लो क्या सूर्य वीरता होगी भाई, मतलब 10 आदमी हमारे सामने खड़े हो जाता, हमारा हालत खराब हो जाता है। उस अकेले आदमी ने भाई अकेले चाकू के नोक पे 60 जन को मार के गिरा दिया था चाइना के। तो इस लेवल का भाई जोश होता है हमारे आर्मी के अंदर, और इस आर्मी में आप जाना चाहते हो तो क्या 5 किलोमीटर का रनिंग आपके लिए कुछ है? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। जब भी आप रनिंग करने जाओ अपने अंदर उस पागलपन को लाओ। लोग बोलते हैं कि नहीं पागलपन की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं भाई, फोर्स में जो भी जाना चाहता है उसके लिए पागलपन की जरूरत पड़ती है। सिलेक्शन के टाइम पागलपन की जरूरत पड़ती है, जब आप ट्रेनिंग में होंगे तब आपको पागलपन की जरूरत पड़ती है। चालाक आदमी भाग जाएंगे ट्रेनिंग से, नहीं कर पाएंगे वो मार वो तकलीफ, चालाक आदमी नहीं सह सकता, वही आदमी सकता है जो थोड़ा सा पागल हो। और जो भी फोर्स में जाते हैं वो थोड़ा गर्म दिमाग के होते हैं, उनका थोड़ा शरीर गर्म होता है, उनके अंदर जोश होता है वो चीज के लिए, अपने देश के लिए जान देने का, अपने देश के लिए जान लेने का। ये अगर जोश नहीं होगा तो फिर दोस्तों वो फौजी किस काम का? तो वो जोश होता है, और आपके अंदर वो जोश है तब आप दोस्तों फोर्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको पता ही, अब जाकर वहां मिठाई नहीं खाने वाले हो, वहां पे भी दोस्तों आप तगड़ा प्रैक्टिस करने वाले हो। कोई कमांडो में जाएगा, कोई दोस्तों मार्कोस जाएगा, कोई दोस्तों NSG में जाएगा, कोई SPG में जाएगा, मार्कोस बोलो सॉरी तो मरीन कमांडो होता है, लेकिन दोस्तों कोई NSG में जाएगा, कोई SPG में जाएगा, स्पेशल फोर्सेस में जाएगा, कोई टेररिस्ट मारेगा, तो आप लोग वही हो ना फ्यूचर के, आप लोग कमांडो हो मेरे दोस्त। तो आज आप लोग मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हो? चल लगा दो, मुझे पता है आज के टाइम आपको शरीर पेन होगा, मुझे पता है जब आप रनिंग करके आओगे ना तो भाई फिर दूसरा दिन जाने का मन नहीं करता है, मन बोलता है कि बस हो गया। तो उस टाइम उस सिचुएशन को याद करना जब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, और उस तकलीफ से आप बाहर कैसे निकले थे, और आप नहीं चाहते कि वो तकलीफ फिर से हमारे लाइफ में हो, हमारे पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, देन दोस्तों लोग हमारी इज्जत करें, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान, आखिरी सांस तक मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपका शरीर चल रहा है, जब तक, देखिए शरीर एक बार आपको धोखा दे सकता है, मैं बोलता हूँ मन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, शरीर एक बार बोल सकते हैं कि हो गया बस, ठीक है अब हमसे नहीं हो पाएगा। और रनिंग शरीर से नहीं किया जाता, रनिंग मन से किया जाता है, कि शरीर तो आप 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत दूर की बात है, 1600 मीटर दौड़ने के बाद शरीर बोलता है कि अब नहीं होगा, अब हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारा मन है ना वो बहुत बड़ा हथियार है, वो हमको टांग के ले जाता है बहन चो, कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है। यस यस यस, प्रैक्टिस से क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। मैं बताऊं इतना आप प्रैक्टिस करो, जो रात को मैं बताऊं, रात को बच्चा 2 बजे फील्ड में दौड़ रहा होगा, 2-2 बजे, 3-3 बजे, सुबह शाम दोपहर, तीनों टाइम प्रैक्टिस करो, अपने को रगड़ रहा होगा। जिस दिन 5 किलोमीटर का रनिंग आएगा उसके लिए कुछ होगा क्या? 5 किलोमीटर कुछ नहीं होगा भाई, वो तो 18 मिनट में क्लियर कर देगा। प्रॉब्लम उसको होगा जो भाई रनिंग नहीं करता होगा, प्रॉब्लम उसका जो 5 दिन रनिंग करके बैठा होगा, भाई अब हमारा फिजिकल है आज दौड़ लेते हैं 5 दिन, इसको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। तो मेहनत करने से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन होता है, बस और कॉन्फिडेंस रखो। अब जिस दिन आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपने उतना मेहनत किया होगा, तो आपका सिलेक्शन में कोसी का बाप का सिलेक्शन नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, बस करनी पड़ेगी तो मेहनत।
अपने आप में वो पागलपन लाना पड़ेगा अपने शरीर में कि आज अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे समाज में कोई भी इज्जत नहीं होगा। और इज्जत कमाना है, अपने आप को साबित करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने उस प्रॉब्लम से, उस नकारा इंसान से, उस गाली से, उस गलौज से, उस लोगों की टेंशन से, हर चीज से आपको आजाद होना है। तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत आपने रूटीन में किया है उससे दुगना मेहनत आपको फिजिकल में करना पड़ेगा। देन दोस्तों फिर आपका नौकरी ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए फिजिकल आप जैसे क्वालिफाई करते हो 89% आपका नौकरी हो चुका होता है, बस 11% आपका चांस बाकी होता है जो कि मेडिकल में होता है। मेडिकल में ज्यादा बच्चे अब की बार नहीं करेंगे, 96,000 बच्चों को ही मेडिकल में बुलाएगा, तो मेडिकल में पूरे पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बताओ 2x1 का दोस्तों बच्चे हैं, बस दो एक सीट पे दो बच्चे होंगे, एक बच्चा कटा मतलब एक बच्चा कंफर्म। पहली बार जैसा नहीं है कि एक सीट पे भाई 4 से 8 जन को बुला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ दो बच्चे को बुलाएगा तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है आपके नौकरी लेने के। तो बस मेहनत से पीछे मत हटना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके सीने में आग लगाया हो फिजिकल के प्रति, रूटीन के प्रति, जो भी आप तैयारी करो, कुछ भी आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी जोश भरी वीडियो के साथ। अरे जवान हो यार, जवानी दिखनी चाहिए रहनचोद आवाज में, ठीक है? तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।